हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल अनुलेखा किचन रेसिपी। आज मैंने अपने किचन पे आपके साथ शेयर की है एक बहुत बढ़िया सी लड्डू जो ठंडी में बहुत खाए जाते हैं और इसे खाने से आपके कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत ही रिलीफ होता है और इससे हमारे इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा बूस्टर होती है। तो हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाला है जो मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके मेल्ट होने के बाद ये देखिए मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर हम इसमें लेंगे एक बढ़िया सा लगभग आधा केजी गूंद। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे फ्राई करूँगी इन गूंद को। ये मैंने गूंद डाल दिया, पहले थोड़ा थोड़ा मैं गूंद डालते जाऊँगी और इसे पूरा फ्राई करेंगे। इसका फ्राई होने का अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है, इसको चेक करने के लिए आप गूंद को निकाल के ठंडा करके दबा के देखिएगा तो ये पूरा अच्छे से चूड़ा बन जाएगा, या फिर आप इसको थोड़ा सा खा के देखिएगा तो ये दांतों पे नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा बन चुका है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये देखिए बढ़िया सा फूल जाता है। तो जब तक ये पूरा फूले ना, तब तक आप इसे हल्के आँच में, जो गैस की जो फ्लेम है उसे बिल्कुल लो रखिएगा और पूरा ऐसे हम तल के इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बढ़िया सा हो गया है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए वन बाय वन पूरे अच्छे से, ये देखिए बढ़िया सा। तो इसी तरह ये मैं पूरे आधा किलो मैंने जो गूंद लिया है, इस तरह मैं इसको तल के पूरा निकाल लूँगी और इससे हम बढ़िया सा पहले तल लेंगे। अब इसे ये देखिए तल के मेरा रेडी हो गया, मैं इसे मिक्सर माने एक पाउडर रेडी कर लूँगी गूंद का, है ना। तो बारीक सा पाउडर करिएगा ताकि ये दांत में फिर आपके लगे ना, तो बच्चे और बूढ़े भी आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए पाउडर मेरा रेडी है, ये बढ़िया सा एक पाउडर बन गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने लिया है आटा, आटा भी लगभग मैंने आधा केजी लिया है। अब इसी गूंद वाले मिक्सचर में मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे अखरोट लिया है, नारियल लिया है सूखे ड्राई वाले, और काजू लिया है और बादाम लिया है। आप इसकी जगह और दूसरे जो भी आपके डालना चाहते हैं लड्डू में, मखाना वगैरह भी आप डाल सकते हैं। आप देखिए एक फाइन रफली मैंने इसका एक पेस्ट पाउडर तैयार किया है, ये देखिए ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है, हल्का हल्का था दरदरा रखिएगा। अब इसी गूंद वाली कढ़ाई पे मैंने 2 से 3 या 3 से 4 आप जितना भी है घी आराम से आप डाल के इसको मेल्ट कर लीजिएगा और हम इसमें भूजेंगे आटा। ये देखिए अब आटे को हमने बिल्कुल गैस की आंच को बहुत धीमा ही रखना है, अगर गैस की आंच आप ज़्यादा करेंगे तो आटा जल जाएगा। इस लड्डू बनाने के प्रोसेस में थोड़ा सा हार्ड है आटा को सेकना, क्योंकि आटे को हमें बिल्कुल ही धीमी आंच में सेकना है और इतना अच्छे तरीके से सेकना है कि इसमें कच्चापन ना रहे बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैं आपको वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ, इसलिए मेरा आटा बहुत जल्दी सेक गया, अदरवाइज़ इतने जल्दी सेकता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए बढ़िया सा हम सेकते जाएंगे आटे को। दोस्तों मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अदर वीडियोज़ की लिंक दी है, वहाँ जाके मेरी आप पूरी वीडियोज़ देख सकते हैं और कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत बढ़िया से आटे को सेक लिया है, अच्छे से आटे का सेकने का आप कैसे सीखा है, इसमें खुशबू बहुत बढ़िया आती है और कलर हल्का सा गोल्डन हो जाता है। और हम इसे अब निकाल लेंगे एक बर्तन में, पहले अच्छे से भूज लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है, अब हम इसे एक परात में निकाल के साइड में रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी हरी इलायची का पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए, और अब निकाल के साइड कर दूँगी। अब एक दूसरे एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैं 1 से 2 चम्मच घी डाल दूँगी। तो वैसे तो आपको पता है लड्डुओं में घी तो बहुत ज़्यादा डलता है, पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल रही हूँ। ये देखिए इसको मेल्ट हो गया है। अब जो मैंने पाउडर, जो ड्राई फ्रूट का पाउडर, जो रफली पाउडर मैंने तैयार किया था, उसे मैं हल्का हल्का इसे रोस्ट कर लूँगी, सेक लूँगी। मैंने घी में सेकने के बाद होता क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत अच्छा सा स्वाद आता है, जैसा आप कच्चा डालोगे ना उतना स्वाद नहीं आएगा, उससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है जब आप इसे थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का ही आपको सेकना है, या आटे वाले में मैं इसे मिक्स कर दूँगी हमारे ड्राई फ्रूट्स वाले को, जिसे मैंने सेक लिया था गैस में। ये देखिए अब मैं इसमें
वन बाय वन सभी हम चीज़ें ऐड कर देंगे। अब मैं गूंद है ना, जो गूंद है वो ऐड कर दूंगी इसमें, जो मैंने पाउडर रेडी किया था। ये देखिए गूंद भी अब हो गया है ऐड, ये बढ़िया सा। इसे हम अब पूरी तरह अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए बढ़िया तरीके से आपको मिक्स करना है। अब ये जो आटा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये थोड़े गर्म ही रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे पे अच्छे से मिक्स हो जाए और हम लड्डू भी बांधेंगे। ये देखिए बढ़िया सा हो गया है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको, कि इक्वली बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बढ़िया सा मिक्स करके अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा। मीठे में मैंने यहाँ पर ऐड किया है गुड़ के जो बूरे होते हैं वो ऐड किया है, जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप चाहे तो शक्कर भी पीस के डाल सकते हैं, पर यहाँ भाई मैंने गुड़ का पाउडर डाला है, जो गुड़ हमारी ठंडी में सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप, मैं सजेस्ट करूँ कि आप गुड़ ही लीजिएगा, शक्कर मत डालिएगा। तो ये देखिए शक्कर का बूरा भी मिलता है, गुड़ का बूरा भी मिलता है, तो आप गुड़ के बूरे को ही डालिएगा। ये देखिए, अदरवाइज़ आप गुड़ की चाशनी बना के भी डाल सकते हैं। तो ये बढ़िया सा हम इसे कर देंगे मिक्स। ये देखिए अभी गर्म है आटा भी थोड़ा सा, और बाकी ड्राई फ्रूट्स वाले भी गर्म है, तो ये हल्का हल्का मेल्ट भी हो जाएगा। तो पहले तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, कि इसमें से पूरे डगले जो गुड़ के हैं ना, वो अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाए। ये देखिए लड्डू भी अब हल्के हल्के बन रहे हैं। अब मैं इसमें अच्छे से लड्डू बांधने के लिए अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी। यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 2 कप घी को मेल्ट करके गरम, हल्का गरम करके रखा है। ये देखिए गरम ही घी डालना है, तभी आपके अच्छे से लड्डू बनेंगे, है ना। तो ये घी आपको, हाँ गरम माने इतना कि हल्का गरम हो, अदरवाइज़ आपका हाथ भी जल जाएगा। और ये बढ़िया सा हम इसे कर देंगे मिक्स। ये देखिए अब घी की और जो आटे की क्वांटिटी, मीठे की क्वांटिटी, आपके ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने कितना आटा लिया उसके अकॉर्डिंग, आप गूंद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे हाथ से मिला लूँगी अच्छे से। ये देखिए हाथ का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी कि घी सभी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसे अभी फिर से चम्मच से ही इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हाथ से मिक्स करना है फटाफट। अब आप इससे लड्डू बांधेंगे ताकि ये ठंडा ना हो। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से लड्डू मेरे स्टार्ट हो गए हैं बनना। ये देखिए फाइन लड्डू बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए दूसरे लड्डू भी अब मैं इसी तरीके से बांधूंगी। तो ये देखिए बढ़िया सा एक लड्डू हो गया है तैयार। तो ये देखिए अब इसी तरह हम करते जाएंगे, बांधते जाएंगे लड्डुओं को। ये देखिए बढ़िया सा इसी तरह मैं पूरे लड्डू बना लूँगी और इसे एक बर्तन पे रखते जाऊँगी। पहला लड्डू हम चढ़ाएंगे अपने भगवान को और फिर हम टेस्ट करेंगे। ये देखिए बढ़िया सा लड्डू रेडी है और बढ़िया सा आप इसे खाइए। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। लड्डू खाने के बाद गर्म पानी, गर्म दूध ही लीजिएगा, ताकि आपका गला ख़राब ना हो।